हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम चपाती चाट, पाई चाट के बारे में सीखेंगे। चंदा और अप्पू मिलकर अचार बनाने का व्यापार शुरू करना चाहते हैं। चंदा, मुझे लगता है कि हमें पहले लोगों को कौन से अचार पसंद है इसका पता लगाना चाहिए। अप्पू, चलो हम गांव वालों को पूछकर इसका पता लगा लेते हैं। मैं एक कागज पर कुछ अचारों के नाम लिख लेती हूँ, फिर हम जितने लोगों को वो अचार पसंद है उसकी संख्या इस तालिका में लिख लेंगे। चंदा और अप्पू घर घर जाकर लोगों को कौन सा अचार पसंद है इसका पता लगाने लगे। दिन के अंत तक उन्होंने 100 लोगों से उनकी पसंद पूछकर अपनी तालिका पूरी कर ली और चंदा के घर लौट आए। अप्पू, मैं तो दिन भर गांव में घूम घूम कर थक गई हूँ और अब इतने सारे अंक देखकर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हमें एक ही नजर में ये सारी जानकारी समझ में आ जाए? हाँ चंदा, हम इस जानकारी को चपाती चाट, पाई चाट का इस्तेमाल करके दर्शा सकते हैं। ओफो अप्पू, मुझे पहले ही बहुत भूख लग रही है और अब तुम ये चपाती चाट का नाम लेकर मेरी भूख और बढ़ा रहे हो। ये चपाती चाट क्या है? चपाती चाट के द्वारा हम जानकारी को सरल तरीके से एक गोला बनाकर दर्शा सकते हैं। चलो मैं तुम्हें ये बनाना सिखाता हूँ। देखो, हमने कुल 100 लोगों की जानकारी हासिल की है। चपाती चाट बनाने के लिए पहले हम हर अचार को पसंद करने वाले लोगों की संख्या को 100 से भाग करके भिन्न के रूप में लिखेंगे। जैसे 50 लोगों को आम का अचार पसंद है, इसलिए हम आम के अचार को पसंद करने वाले लोगों की संख्या को 50/100 या 1/2 इस तरह से लिखेंगे। ठीक इसी तरह से हम बाकी अचार को पसंद करने वाले लोगों की संख्याओं को भी 100 से इस तरह से भाग करके भिन्न के रूप में लिख लेंगे। लेकिन इन सभी भिन्न में कुल भागों की संख्या तो अलग अलग है, फिर हम इन्हें कैसे दर्शाएंगे? बिल्कुल ठीक, हम इसे हल करने के लिए पहले हम इन सभी भिन्न के कुल भागों की संख्याओं का लघुत्तम साझा गुणज, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, या सबसे छोटा साझा गुणज इस तरह से ढूंढेंगे। इस तरह 20 इन सभी भिन्न के कुल भागों की संख्याओं का लघुत्तम साझा गुणज, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। अब हम इन सभी भिन्न को इस तरह से लिखेंगे ताकि इन सभी के कुल भागों की संख्या 20 हो जाए। लेकिन अप्पू, तुमने अब तक तो कोई भी चपाती नहीं बनाई। घबराओ नहीं, अब हम चपाती चाट की चपाती बनाने ही वाले हैं। अब हम इस तरह का एक गोला बनाएंगे, फिर हम इस गोले को 20 बराबर हिस्सों में बांटेंगे और अंत में हम इन भिन्नों के हिस्सों को चपाती चाट के उतने हिस्सों में रंग भरकर इस गोले में दर्शाएंगे। ये हो गया हमारा चपाती चाट तैयार। वाह अप्पू, अब हम आसानी से इन हिस्सों को देखकर पता लगा सकते हैं कि सबसे ज्यादा लोगों को आम का अचार पसंद है,
क्योंकि चपाती चाट के सबसे बड़े हिस्से में आम को पसंद करने वाले लोगों की संख्या है और इस सबसे छोटे हिस्से में मिर्ची के अचार को पसंद होने वाले लोगों की संख्या है, इसलिए सबसे कम लोग मिर्ची के अचार को पसंद करते हैं। और देखो अपू, आमला और गाजर के अचार के हिस्से बिल्कुल समान नजर आ रहे हैं। इसका मतलब इन दोनों अचारों को समान संख्या के लोग पसंद करते हैं। बिल्कुल ठीक चंदा, हमें सबसे पहले आम का अचार बेचना शुरू करना होगा। चलो हम अब कुछ खा लें, मुझे भी बड़े जोरों की भूख लगी है। अप्पू और चंदा अपनी असली चपाती खाने चले गए। बच्चों, इस वीडियो में हमने चपाती चाट, पाई चाट के बारे में सीखा। अगले वीडियो में हम कुछ दिलचस्प उदाहरणों द्वारा इसके बारे में और जानेंगे।